Next time. नहीं होगा, पक्की बात नहीं होगा, आप ट्राई करेंगे। कम कम, अभी तक समझिए, आपके हाथ पे माउस है और आपके स्क्रीन पर पेंट ब्रश है। ट्राई कीजिए, ट्राई इट। पॉसिबल नहीं है, बस हो गया है ना, ये गेम नहीं। मुझे यह लग रहा है कि वास्तव में पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एरिया से इसको सेलेक्ट कर पाए। हाँ यार, ठीक है, इसीलिए पेंट ब्रश ने मुझे एक और टूल दिया, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड, फ्री हैंड सिलेक्शन। एनी डाउट? अब ये कैसे काम करेगा ये देखते हैं। चलिए, ये क्या करेगा, आपको माउस पर ऐसे ऐसे खींचने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप गली आराम से घूम घाम के एकदम आराम से जाइए, चिपका दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया, बाहर आ गया। ऐसा टूल बहुत अच्छा है कि नहीं? आप एकदम मतलब पेंसिल की तरह आपको ड्रॉ करते तो ऐसे जाएगा, यूं ऐसे जाएगा, इसीलिए इसका हमने डिजाइन ऐसा बनाया। सो दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड सिलेक्शन। ऐसे एरिया जहां हम सीधे तरीके से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पर हमको कौन सा टूल लेना चाहिए? एनी डाउट? कोई परेशानी? आगे चले, वेरी नाइस। अब दो तीन टॉपिक, कॉपी मूव पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट मूव और कट पेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले भी समझाया मैं, फिर समझिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी और एक और डस्टर यहां आ जाएगा और एक ये डस्टर रहेगा,